सभी साथियों का स्वागत है YouTube चैनल सौरभ इंडियन फार्मर में। आज पपीते की पौध लेके आए हैं जिसका प्लांटेशन करेंगे, तो उसी के लिए हम अपने खेत के नीचे हिस्से पे आए हैं जिससे नाला निकला हुआ है, और नाले से हम मिट्टी लेने के लिए आए। इस मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ माना जाता है, नाला हुआ या नहर हुई, वहाँ अगर आपको मिट्टी मिल जाती है और मिट्टी का अगर हम अपने खेत में प्रयोग करें या फिर पौधे का जब पौधा लगाते हैं तो उसके साथ इसका प्रयोग करें तो बहुत ही उपजाऊ होती है और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, खाद से भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। इसीलिए हमने इस मिट्टी को तैयार किया है थोड़ा, और इस मिट्टी को हम बाल्टी में भर के जहाँ भी पौध रखी है वहाँ लेके चलेंगे। वीडियो में आगे बने रहिए, आपको दिखाएंगे कि पौधे का प्लांटेशन है तो कैसे करेंगे, जुड़े रहिए। हाँ साथियों, तो हम अब तैयार हैं, मिट्टी को ले आए हैं नाले से, और इसे हम ये जो छोटे छोटे गड्ढे बना रखे हैं ये साइड से और वो उधर वहाँ तक है, तो इन गड्ढों में अब मिट्टी भरने का कार्य करेंगे। तो इसे हमने बारीक बारीक महीन बना लिया, और ये मिट्टी जो है वो कहीं ना कहीं बर्मी कंपोस्ट का काम करेगी, बर्मी कंपोस्ट का ये कार्य करेगी, तो ये पौधे को ग्रोथ करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। जो कहीं ना कहीं ऐसे हम एक तरह से खाद के प्रयोग में हम इस मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं, तो इन्हें हम अब जो छोटे छोटे गड्ढे हैं उन्हें भरने का कार्य कर पहले लेके आए थे, और ये पौधा लगाया जा रहा है। 4-5 खड्डे तैयार किए थे, उसमें रखने का काम कर रहे हैं। किसान साथियों को जब ये प्लांटेशन करना चाहिए तो पपीते की मुख्यतः एक चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि पौधे को ऊंचाई वाले स्थान पर लगाएं या मेड़ विद से लगाएं या फिर ज़मीन के स्तर पर लगाएं, लेकिन ऊंचाई वाले स्थान पर होगा तो पौधे में जो जल भराव नहीं होगी और जल भराव की समस्या नहीं होगी तो पौधा जीवित रहेगा और चलेगा। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है सभी को। और ये पपीते के सारे पौधे धीरे धीरे लगा। हेलो किसान साथियों, तो हम आ चुके हैं अपने खेत के दूसरे हिस्से में। ये खेत लगभग 150 मीटर दूर है पहले वाले खेत में से, तो इसे सेक्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है खेतों को। पहला हिस्सा है जिसमें समर है, और दूसरा हिस्सा है ये वाला है जो पास में है 150 मीटर की दूरी पर, तीसरा हिस्सा यहाँ से लगभग 350 मीटर की दूरी पर है। तो पहले वाले हिस्से में समर लगी हुई है और उसका पानी नाली द्वारा भी आ रहा है, अभी सैम्प यहाँ पे नहीं हुआ है, तो इसके कारण यहाँ पे धान भी नहीं हो सकी, तो धान तो नहीं हो पाई। लेकिन अब इसमें अगेती किस्म की सरसों करने जा रहे हैं जो लगभग 10-12 सितंबर से जिसकी बुवाई शुरू कर देंगे अगर टेम्परेचर सामान्य रहा। सरसों की अगेती किस्म के लिए टेम्परेचर लगभग 28 नॉर्मल रहना चाहिए, 28 से 32 तक रहना चाहिए। देखते हैं, अगर सामान्य टेम्परेचर हुआ तो बुवाई शुरू हो जाएगी। और इसमें जुताई ढंग से होनी है, कल्टीवेटर से होनी है, 2 बार एरो से होनी है, तो खेत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। ये खेत ऑर्गेनिक तरीके से तैयार नहीं कर रहे हैं, इसे अभी ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करने में लगभग 1 साल लग जाएगा, लेकिन इसमें हम जो पेस्टिसाइड है उसका प्रयोग नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं हर्बिसाइड का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये खेत जब तैयार होगा तो दिखाएंगे। इसमें जब सरसों की बुवाई होगी तो सल्फर और डीएपी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसमें सल्फर और डीएपी डाल के तब अच्छी तरह से बुवाई करेंगे। और जब फिलहाल में अभी 2-3 दिन बाद ट्रायल के तौर पर कुछ सरसों लेके आएंगे तो इसमें उगा के देखेंगे कि यह जर्मिनेट हो जाती है तो बुवाई शुरू कर देंगे, लेकिन अगर नहीं हुई तो अभी करीब 15-20 दिन लगेंगे
इसमें बुवाई होने में, वीडियो में, वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों को दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार से अच्छी बुवाई करके इसमें उत्पादन सही से लिया जा सकता है। कृष्णा क्रांति की इसमें सरसों बोएंगे, जो कि अगेती किस्म के लिए इस जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ पे अगेती किस्म के लिए कृष्णा क्रांति बहुत ही अच्छी साबित किस्म होती है, तो उसे की बुवाई करेंगे और किसान भाइयों को दिखाएंगे कि उसकी उपज कितनी ली जा सकती है। धन्यवाद किसान भाइयों हमसे जुड़े रहने के लिए।